नमस्कार, मैं हूं सुधीर विश्नोई। कहा जाता है कि अगर कुछ करने का जज्बा और हौसला होता है, अक्सर वही लोग इतिहास लिखा करते हैं। यह पंक्ति बाड़मेर की बेटी रूमा देवी पर बिल्कुल सटीक बैठती है। रूमा देवी इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया। सोमवार को राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होने के बाद रूमा देवी बाड़मेर पहुंची। बाड़मेर पहुंचते ही थार के सुदूर पश्चिमी रेगिस्तान में उनका भव्य स्वागत हुआ। वह रेगिस्तान जहां पर सामान्य जीवन जीना बहुत कठिन होता है, उन परिस्थितियों में निकलकर राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बाड़मेर पहुंचने पर लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर रूमा देवी का स्वागत किया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 8 मार्च को राष्ट्रपति भवन में विशेष सम्मान समारोह में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि के लिए ग्रामीण विकास एवं चेतना संस्थान के अध्यक्ष रूमा देवी को 1,00,000 रुपए व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। न्यूज टीवी इंडिया से बातचीत में राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होने वाली रूमा देवी ने अपने सम्मान को मरुधरा की मेहनत का सम्मान बताया। उन्होंने कहा कि इस सम्मान के लिए बड़ी मेहनत की है। उन्होंने बताया कि जब महामहिम ने उन्हें सम्मानित किया तो वो उनके लिए बहुत गौरव वाला पल था। उल्लेखनीय है कि रूमा देवी पिछले वर्ष राज्यपाल द्वारा गणतंत्र दिवस पर राज्य स्तर पर सम्मानित हो चुकी है। साथ ही हस्तशिल्प के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मान होकर जिले का व देश का नाम रोशन कर चुके। ऐसे में बाड़मेर की धरती के लिए यह इतिहास में बहुत बड़ा दिन था, जिस दिन रूमा देवी को राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया गया। ताज़ा न्यूज अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।